हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। बीपीएससी 132 बुक बाय एसवी क्रेजी हैक्स। गाइस, हमारी बीपीएससी 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, हमारी तीसरी इकाई है गांधीवाद। इसमें हम जानेंगे गांधीवाद धारणा के अर्थ और क्षेत्रों के बारे में, मानवीय मूल्य जो इससे उभर के आए हैं उनके बारे में हम जानेंगे, भारत में गांधीवाद धारणा की राजनीति विज्ञान के बारे में समझेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो आइए गाइस सभी टॉपिक्स को डिटेल में जान लेते हैं। एंड गाइस, सबसे पहले थोड़ा परिचय देख लेते हैं, प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम इससे पहले की दो इकाइयों में उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में पढ़ चुके हैं। इन दोनों से अलग है गांधीवाद अवधारणा। उदारवाद अवधारणा में परिवर्तन पर जोर नहीं दिया जाता, आम सहमति पर जोर दिया जाता है, जबकि मार्क्सवादी अवधारणा में कुछ समानताएं दो समाज में परिवर्तन की बात करती हैं, कुछ समानता जैसे परिवर्तनों की बात होती है। लेकिन गांधीवाद अवधारणा का प्रयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं राजनेताओं के द्वारा वर्तमान में विकास ढांचे के आंचलन के लिए एक विकल्प की तरह है, यानी कि परिवर्तन करता है पूरे तरीके से इस विकास के ढांचे में। चरण सिंह एवं राम मनोहर लोहिया इनमें से थे जो वर्तमान मॉडल की आलोचना की और एक वैकल्पिक मॉडल प्रदान किया। गांधीवाद एवं मार्क्सवाद अवधारणा के बीच अंतर है, फिर भी गांधीवाद अवधारणा अहिंसा राजनीति में नैतिकता के महत्व को रेखांकित करती है, जबकि मार्क्सवादी अवधारणा वर्ग संघर्ष में विश्वास रखती है। गांधीवाद अवधारणा का मानना है कि मजदूर एवं पूंजीपति वर्ग एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना होनी चाहिए, उन्हें अपने धन का बंटवारा करना चाहिए, अमीर और गरीबों के बीच की दूरी को कम करना चाहिए। गांधीवाद अवधारणा का अर्थ एवं क्षेत्र। गांधीवाद अवधारणा सामाजिक यथाशक्ति सत्य को समझने का प्रयास है। ये एक नए समाज के निर्माण का रास्ता समझने का प्रयास करती है। गांधीवाद सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय और लक्ष्य की प्राप्ति करने का साधन, नैतिकता और रामराज्य शामिल हैं। अहिंसा का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति को चोट न पहुंचाकर खुद को नुकसान पहुंचा लेना, उपवास द्वारा स्वयं को नुकसान पहुंचाकर उन नैतिक आधारों को स्थापित किया जा सकता है। आज्ञा उल्लंघन के बिना कोई भी राजनीतिक गतिविधि संपन्न नहीं हो सकती। प्रजातंत्र को इस प्रकार के संरचित होना चाहिए ताकि सभी नागरिक कानून एवं संस्थाओं के सवाल पूछे जा सकें। अहिंसा का प्रयोग करके नैतिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। इससे ही गांधी सिद्धांतों में सत्याग्रह कहा जाता है और गांधी अवधारणा का अंतिम लक्ष्य स्वराज की स्थापना करना है, जिसमें राम राज्य की स्थापना होगी। समाज में भाईचारा बढ़ेगा, लोगों में शांति की भावना आएगी। राम राज्य एक आदर्श समाज होगा जहां लोग स्वयं कानून बनाएंगे और स्वयं का शासन होगा। यहाँ पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का राज होगा। यह एक उच्च नागरिक समाज होगा जहां सभी लोग सद्भाव के साथ रहेंगे, सद्भाव की भावना होगी। राम राज्य में ग्रामीण पंचायत का कार्य राज्य के कार्य के समान होगा। राम राज्य का स्वराज में राज्य की भूमिका न्यूनतम होगी, क्योंकि राज्य एक दयनीय संस्था है। इसके अलावा सत्याग्रह अहिंसा सत्य का प्रयोग राज्य एवं संस्थाओं के विश्लेषण के लिए करता है। वह गांधीवादी अवधारणा का प्रयोग करते हैं और गांधीवादी अवधारणा का प्रयोग करके सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में भी गांधीवादी अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता रहा है।
मानवीय मूल्यों की खोज। सबसे प्रभावशाली राजनीतिक वैज्ञानिक उन्होंने जिन्होंने गांधीवाद अवधारणा का प्रयोग भारतीय राजनीति में किया वो रजनी कोठारी थी, जो कि लोकांकिया एक गांधीवादी समाज नागरिक समाज का संगठन था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी लोकान्या का सदस्य होने के नाते। रजनी कोठारिया पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव पड़ा। इकाई एक में हम रजनी कोठारी के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनकी बुक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इकाई वन बहुत ही ज़रूरी बन जाती है, इकाई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है, तो यूनिट वन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। व्यवस्थावादी उपगम का प्रयोग उदारवादी उपगम के साथ भारतीय राजनीति को समझने के लिए किया जाता रहा है, और गांधीवादी अवधारणा का उपयोग उन्होंने व्यवस्थावादी उपगम की पहली व्यवस्थावादी उपगम के लिए आलोचना के संदर्भ में भी किया था, यानी कि जब भमरी ने व्यवस्थावादी उपगम की आलोचना की थी जो रजनी कठोरी द्वारा लिखा गया था, तो उस टाइम पे गांधीवादी अवधारणा का प्रयोग किया था रजनी कठोरी ने उनके सवालों का आंसर देने के लिए आलोचना के संदर्भ में। ये परिवर्तन तकनीक के क्षेत्र में तथा राज्य में देखने को मिलता है, इसका अक्सर समाज पर भी पड़ा है। कई अन्य परिवर्तन जैसे कि जन आंदोलन, मानव अधिकार, जनजातीय मुद्दे, संस्थाओं का पतन, व्यक्तिवादी नेताओं का उदय जैसे कि इंदिरा गांधी थी, कठोरी की राय में तकनीक के प्रभाव के कारण भारतीय राज्य गैर मानवीय बन गया है और यह लोगों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो राज्य के मानवीय चेहरे की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि ताकि एक नए भारत की खोज में मदद मिल सके। विकास का अलगाववाद मॉडल जनता के हितेशी नहीं है, यानी कि जनता के हितों में एक नया भारत हो ऐसे भारत की ज़रूरत है, तो राज्य के मानवीय चेहरे की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यह पूंजीवाद के अधीन कार्य करता है। विकल्प गांधीवाद अवधारणा के रूप में मौजूद है जिसका मानवीय चरित्र है। कोठारी ने यह रेखांकित किया कि गांधीवाद अवधारणा पहले की अवधारणाओं से अलग है। रजनी कोठारिया के बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़ना है जो कि यूनिट वन में है, उसी से आपको यह यूनिट अच्छे से समझ आएगी। तो अगर आपने नहीं की है तो पहले यूनिट वन करें, उसके बाद ही यूनिट थ्री करें, आपको बहुत ईजी लगेगी अगर आपने रजनी कोठारिया के बारे में पढ़ा है। गांधी प्रभावित उनका लेखन अपने पुराने कृत्यों में मतभेद में रखता है। संरचना जिसका प्रभाव गांधीवादी दर्शन से अधिक पड़ता है वह बहुत लोकतांत्रिक होने के बजाय वर्तमान में वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में सामने आया है। इसके तहत भारत में ज़बरदस्ती लगाया गया मॉडल है, क्योंकि भारत एक गरीब देश था, इसने कार्यपालिका और नौकरशाही शक्तियों को लगा दिया जिससे केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। अक्सर एक नए संविधान की चर्चा होती है। रजनी कोठारी के अनुसार भारत में जहां राज्य के ऊपर टेक्नोलॉजी का कब्जा था वहां पर दो प्रकार के भारतीय हैं, एक जो लोकतंत्र पर अमीर लोगों ने कब्जा कर रखा है, दूसरा सांप्रदायिक जातिवाद व भ्रष्टाचार लोगों के लिए खेल का मैदान बन गया है। तो ये दो प्रकार के भारतीय हैं जिसके ऊपर देश की दशा खराब होती जा रही है। इस संदर्भ में जहां दल जातीयवादी एवं भ्रष्टा लोगों के लिए खेल का मैदान बन गया है, वहीं पर संस्था अपनी साख गांव रहे हैं, यानी कि गैर दलीय राजनीतिक द्वेष के सभी हिस्सों में घटित हो रही है, यानी कि द्वेष की भावना बढ़ रही है। जो विकल्प उभर रहा है वह वैकल्पिक एवं जनता का आंदोलन है।
गांधीवादी अवधारणा एवं भारत के राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में गांधीवादी अवधारणा का उपयोग किया जाना एक नॉर्मल बात है। सामाजिक आंदोलन और सत्याग्रह, इसमें भारतीय राज्यों की आलोचना, स्वराज की अवधारणा, सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव, विकेंद्रीकरण 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम है जो विकास के लिए गांधीवादी प्रभाव और बहस आदि शामिल होते हैं। इसके अंदर गांधीवादी दृष्टिकोण का यूज़ करके गांधीवादी बुद्धिजीवियों ने, जैसे कि चरण सिंह लोहिया और अन्य समाजवादी नेताओं पर होने वाले प्रभावों को देख सकते हैं हम। लोहिया और चरण सिंह ने औद्योगिकरण पर हमला किया था, लघु उद्योगों एवं ग्राम उद्योगों का पक्ष लिया था। चरण सिंह ने गांधीवादी विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन वो कुछ पक्षों पे असहमत भी थे, कुछ मामलों में असहमत भी थे। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि गांधी की सहकारी कृषि व्यवस्था के सिद्धांत का विरोध किया था, जिसमें केवल वे कृषि के सेवाओं को ही सहकारिता का समर्थन करते हैं। लोहिया ने गांधीवादी दर्शन का प्रभाव समाजवादी मॉडल में दिखाई देता है, जो कि नेहरू विकास मॉडल की आलोचना करते हैं। उन्होंने शून्य अवज्ञा और सत्याग्रह आर्थिक राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव पड़ा था लोहिया के ऊपर। इसके अलावा गांधीवादी दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य के अनुसार राज्य मौखिक तौर पर आत्मविहीन मशीन की तरह होता है जो बलपूर्वक साधनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य को सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत है। वास्तव में जो राज्यों के विरोधी नहीं होते, बल्कि वे राज्यों के कम उपयोग करने के समर्थक में थे, जो ये दोनों थे, राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह। ये वास्तव में विरोधी नहीं थे, ये कम यूज़ करने के समर्थन में थे। भूमिका पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भी पूरी की जा सकती थी, राज्य को केवल न्यूनतम कार्य करने चाहिए। गांधीवाद उस लोकतंत्र का समर्थन करते हैं जहां लोगों के पास सत्ता हो, वे निर्णय निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकें। विकेंद्रीकरण और पंचायती राज इसके एग्जाम्पल हैं, ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए। सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव। गांधीवादी अवधारणा ने किस प्रकार से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को समाप्त कर दिया, यानी कि सांप्रदायिक लड़ाइयों को समाप्त कर दिया, इसका जवाब इतिहास में बार बार देखने को मिलता रहा है। 9 आखिरी दंगों में गांधी ने अपने प्रयासों से दंगों पर काबू पाने में सफलता हासिल करी थी। धर्मों को राजनीति के इस्तेमाल कर तथा हिंसा पर काबू पाने में इसका प्रभाव दिखाया गया था। इसके बावजूद गांधी की आलोचना हिंदू और मुसलमान दोनों ने करी थी। आंतरिक संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी राजनीतिक सफलता सांप्रदायिक सद्भाव को प्राप्त करने से मिली है। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य यह विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से विभिन्न समुदायों को सांप्रदायिक परिस्थितियों से निकालकर एक साथ लाया जाए, लेकिन यहाँ पे सांप्रदायिक परिस्थितियों का ही सहारा लेना पड़ गया। इसी वजह से गांधी जी को हिंदू और मुसलमान दोनों से आलोचना सामना करना पड़ा। सामाजिक आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1974 में गुजरात में आंदोलन का अध्ययन करने में, जो कि मूल्यों में वृद्धि के विरुद्ध था, यानी कि घनश्याम शाह ने सत्याग्रह की भूमिका का जिक्र किया, खासकर कि लेवी के खिलाफ। इस आंदोलन छात्रों ने चलाया, जिनकी प्रमुख मांग थी मैश में मिलने वाले खाने के बिलों में वृद्धि, भ्रष्टाचार, काला बाजारी, महंगाई, गैर राष्ट्रीयकरण, नागरिक स्वतंत्रताएं भी इसमें शामिल थी। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन की वजह से प्रधान जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद यह आंदोलन जेपी के आंदोलन से भी जुड़ गया था, जिसके बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया था।
ये इतना बड़ा सामाजिक आंदोलन बन चुका था। इसके अलावा 1975 में इसी तरह का किसान आंदोलन था जो सत्याग्रह और अहिंसा पर टिका हुआ था और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में भी रहा। गांधीवादी सूबाराव और पीवी राजगोपाल और जयप्रकाश नारायण ने भी चंबल के डकैत को समर्पण करने के लिए गांधीवादी तरीकों का उपयोग किया। इसके अलावा उनसे हिंसा समाप्त करके अहिंसा के रास्ते अपनाने युवा को जेपी आंदोलन को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी आंदोलन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था और जो चंबल के डाकू थे उनसे अहिंसा समाप्त करके हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए बोला, उनमें शामिल होने के लिए बोला जो जेपी आंदोलन में शामिल हो जाओ, तथा आपातकाल के विरुद्ध उनको लंबित किया गया। बाल गोपाल ने आदिवासी लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण करने के विरुद्ध एकता परिषद का गठन किया और उसके अलावा उन्होंने उनकी ज़मीनों का हक दिलाया। एकता परिषद भी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित हुई। ये असहयोग आंदोलन का असर था जो कि राज्य और समाज को एक साथ लाने की कोशिश की थी। 1980 में एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया, भूमि सुधार करने के लिए दबाव डाला गया कांग्रेस सरकार और दिग्विजय को। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया 1990 के तीन दशकों में, मजदूरी, प्रवासन, बंधुआ मजदूर, पुनर्वास, रोजगार आदि जैसे मुद्दों को उठाया गया। एकता परिषद के बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ के वैकल्पिक नए सामाजिक आंदोलन शुरू हुए। इसके बाद लंबा मार्च भी आयोजित किया गया, जैसे कि पद यात्रा, धरना, चक्का जाम, भूमि सत्याग्रह आदि। इसमें एमपी और दिल्ली के किसान आदि शामिल हुए। दलीय व्यवस्था, अपने विचारों को एक लेख में कांग्रेस व्यवस्था के बारे में अभिव्यक्त करने के लिए रजनी कोठारी ने दिसंबर 1974 को एशियन सर्वे में लिखा लेख प्रस्तुत किया। उनके विचार से सरकार बिना जमीन स्तर संगठन के काम नहीं कर सकती। उन्होंने जो भी जन आंदोलन हो रहे हैं वो भी चुनावी चैनल और विधायिका से बाहर हो रहे हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में यह कमी दिखाई कि ये चुनावी चैनल या फिर विधायिका से बाहर हो रहे हैं जन आंदोलन, तो ये जनता के साथ अपना संपर्क साधें और संगठन के अभाव में बाहरी ताकतें अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं। यदि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को बनाने में असफल होती है तो यह विरोधी दल करने में सफल हो जाएगा और पुनर्बहाल नहीं हो सकेगा पार्टी का संगठन, तो चुनाव को खो सकते हैं, अपनी चुनावी साख को खो सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इस लोक नीतियों पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव, जनता सरकार नेहरूवादी नीतियों के मॉडल को बदलने का प्रयास कर रही थी। यह उनके विकास का मॉडल कृषि क्षेत्र में निवेश को तरजीह देने न कि उद्योगों में कृषि क्षेत्र के निवेश से रोजगार को बढ़ावा दे रहा था। इसके अलावा अन्य नीतियां, भारत ऐसे राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था जो किसानों का हो नौकरशाहियों के बजाय, यानी कि भारत की जो नीतियां थी वो इस तरीके की थी कि भारत किसानों का देश कहलाया जाए, नौकरशाहियों का नहीं। ये सब गांधीवादी नीतियों का प्रभाव का उदाहरण है। ऐसे मुद्दे गांधीवादी परिप्रेक्ष्य से प्रभावित हुए हैं। चरण सिंह ने नेहरू के मॉडल की आलोचना की और उन्होंने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी। ग्राम समुदाय द्वारा लघु उद्योग की गांधीवादी ढांचे में देखा जा सकता है। उन्होंने नेहरू पर आरोप लगाया कि वो भारत को गैर औद्योगिक बना रहे हैं। गांधीवादी अवधारणा का प्रयोग करते हुए राहुल रामागुंडम
गुंडन ने भी जीवन के भौतिक और नैतिकता को महत्वपूर्ण माना। भौतिकता नेहरू की देन है और नैतिकता गांधी की देन है। गांधीवादी सामाजिक आर्थिक नीतियों के आकलन में समान रूप से कमियां भी सामने आती रही हैं। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य एवं उत्तर आधुनिकता। अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एसेज में रुडोल्फ ने ने गांधी को उत्तर आधुनिक का चिंतक बताया। इसका मतलब उन्होंने गांधी पर परंपरागत नेता के सामान्य विचारों को भी चुनौती दी। गांधी जी का एक उत्तर आधुनिकवादी थे, तो उत्तर आधुनिकवाद को भी समझ लेते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं इस प्रकार हैं, किसी एक समुदाय को ही दिखाना, उसके किसी एक पार्ट को ही प्राथमिकता देना, उसके एक भाग को ही प्राथमिकता देना। सत्य एक वास्तविकता है और संदर्भ की महत्वता भी है। इन लक्षणों के संबंध में रुडोल्फ ने गांधी को उत्तर आधुनिकता की श्रेणी में रखा। गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का उदाहरण देते हुए ये तर्क दिया कि गांधी के लिए सत्य का यूज़ समान है। गांधी का सामाजिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर दबाव भी उनके उत्तर आधुनिक होने को प्रभावित करता है। तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। रजनी कोठारिया के ऊपर गांधीवाद अवधारणा के प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में यूनिट वन के थ्रू समझ सकते हैं, तो पहले यूनिट वन ज़रूर पढ़ें। यूनिट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट टू से भी यूनिट वन रिलेट करती है और यूनिट थ्री भी, आगे आने वाले बाकी चैप्टर भी यूनिट वन से रिलेट करेंगे, तो यूनिट वन को अच्छे से करें। तो भारतीय राजनीति को समझने के लिए गांधीवादी अवधारणा किस तरह से यूज में लाई जाती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसे भी बहुत अच्छे से करना है। लास्ट में सारांश पढ़ लेते हैं और इसके साथ ही तीन इकाइयाँ हमारी कम्प्लीट हो जाएंगी और ये खंड भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ब्लॉक वन कंप्लीट हो जाएगा इसी इकाई के साथ ही। गांधीवाद अवधारणा समाज में हो रहे परिवर्तन की दृष्टि को समझने का रास्ता है। शिक्षावादियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों को प्रेरित करती है गांधीवादी अवधारणा। गांधी के प्रमुख सिद्धांत रहे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, रामराज, सर्वोदय आदि, इन सबको अपना के समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। इन्हें भारतीय राजनीति में लागू करने का प्रयास भी किया है। जिन मुद्दों पर राजनीति वैज्ञानिकों ने अधिक आकर्षित किया वे हैं विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र में शिष्टता, सामाजिक सद्भाव, ग्रामीण समाज का महत्व, कृषि को प्राथमिकता देना। उन्होंने गांधीवादी मॉडल का प्रयोग करके नेहरूवादी मॉडल की आलोचना भी की है। गांधीवादी समर्थकों ने जनता को लामबंद करने के लिए गांधीवादी तरीके जैसे कि सत्याग्रह, भूख हड़ताल आदि का सहारा समय समय पर लेते रहे हैं। इसी के साथ ये इकाई ख़त्म होती है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।